आज से कुछ साल पहले एक गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। पेशे से वह एक राजमिस्त्री था, लेकिन उसे चोरी करने की भयंकर बीमारी हो गई थी, जिसके चलते वो कभी भी कहीं भी किसी का भी कुछ भी चुरा लेता था। लेकिन इस बात के बारे में राजेश को कुछ भी पता नहीं होता कि उसने किसी का कुछ चुराया भी है। लेकिन कुछ समय बाद जब उस बीमारी का असर खत्म हो जाता तो राजेश को बड़ा दुख होता और वो सोचता कि मुझे ये क्या हो गया है। मैं कभी भी किसी का भी कुछ भी कैसे चुरा लेता हूँ। राजेश का बहुत मन करता कि वो उस आदमी का सामान उसे वापस दे आए, लेकिन फिर वो सोचने लगता कि अगर मैं उस आदमी का सामान वापस देने गया तो मैं उसे कैसे कहूंगा कि मैंने आपका ये सामान चुरा लिया था। और अगर मैं किसी तरह से कह भी दूंगा और माफी भी मांग लूंगा तो वह आदमी क्या कहेगा कि मैंने उसका सामान चोरी कर लिया और जब मेरा काम निकल गया तो मैं उसे वापस भी लौटा रहा हूँ। नहीं, मैं ये सामान उसे वापस लौटा कर अपना ये भेद कभी नहीं खोलने दूंगा कि मैं एक चोर हूँ। और मैं चोरी करता हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं चोरी कर रहा हूँ। ऐसे में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी गांव में? कौन बुलाएगा मुझे अपने घर काम करने के लिए? नहीं, मैं ये सामान उसे वापस नहीं करूंगा और जैसे भी होगा इसे छिपा के रखूंगा। यह सोचकर वो उस सामान को उसे वापस लौटाने नहीं जाता। एक दिन जब राकेश काम पर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे बीमारी का असर होने लगता है, जिससे उसका मन बार बार चोरी करने को कहने लगता है। राजेश चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन वो जानबूझकर चोरी करना भी नहीं चाहता। यह सब बीमारी का असर होता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। राजेश उस आदमी की घड़ी अचानक पता नहीं कैसे चुरा लेता है, लेकिन ये चोरी वो बीमारी की हालत में किया होता है, इसलिए राजेश को इस चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे जाने पर जब रास्ते में राजेश बीमारी के असर से बाहर आता है, तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक घड़ी होती है। अपने हाथ में किसी और की घड़ी देखकर वो बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन वो ये चोरी जानबूझकर नहीं किया होता और वो अपनी बीमारी किसी में बताना भी नहीं चाहता। इसीलिए राजेश घड़ी लौटाने के लिए वापस भी नहीं जाता। लेकिन तभी वो आदमी वापस आता है और राजेश के हाथ में अपनी घड़ी देखकर राजेश से पूछता है कि भाई साहब, ये घड़ी आपको कहाँ पर मिली? इसे मैं कब से खोज रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर गिर गई थी। राजेश के कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो उस आदमी को वो घड़ी वापस देकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो आदमी राजेश को दोबारा रोक लेता है और राजेश से पूछता है, भाई साहब, आप ठीक तो हो ना? और आपने बताया नहीं कि आपको ये घड़ी कहाँ से मिली? उस आदमी के बार बार पूछने पर भी जब राजेश कोई जवाब नहीं दे पाता, तो वो आदमी जान जाता है कि राजेश ने उसकी घड़ी चोरी की है। वह आदमी राजेश से कहता है कि कहीं तुमने भी तो मेरी घड़ी चुराई नहीं है? खैर, ये बीमारी आजकल बहुत लोगों में फैल रही है। देखिए, आप डरिए मत, अगर आपको ये बीमारी है तो साफ साफ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं इसी बीमारी का डॉक्टर हूँ। मैं आपका इलाज कर दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। इतना सुनते ही राजेश डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे इस बीमारी का उपाय बता दीजिए, मैं इस बीमारी से परेशान हो गया हूँ। मैं कभी भी कहीं भी किसी का भी कुछ भी चुरा लेता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने किसी का कुछ चुराया भी है। लेकिन जब बाद में मुझे समझ में आता है कि मैंने किसी का सामान चोरी किया है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं उसका सामान वापस नहीं कर पाता। इतना सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरी दुकान का पता है, तुम कल मेरी दुकान पर आ जाओ, मैं वहां पर तुम्हारा इलाज कर दूंगा। अगले दिन राजेश डॉक्टर की दुकान पर जाता है और डॉक्टर राजेश को दवाई देते हैं और कहते हैं कि तुम दवाई सोने से पहले और खाना खाने के बाद रोज एक एक गोली खा लेना।
और फिर 10 दिन बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राजेश दवाई लेकर घर चला आता है और नियमित तरीके से 10 दिन लगातार दवाई खाता है, जिसमें वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब 11वें दिन में राजेश काम पर जाता है और शाम को घर भी वापस आता है और घर आकर देखता है कि आज उसने किसी का कुछ नहीं चुराया होता और इस तरीके से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।